अभी अपन एक सेस ओपन कर सकते, ठीक है, इसमें अपन टेबल ओपन कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से आता है, तो आप एनेबल कंटेंट पर क्लिक करें। इसमें हमने आपको क्रिएट में होम टैब के सभी ऑप्शंस बता दिए थे, अगर इसमें हमने आपको एक नहीं बताया था फ्रीज वाला, वो और बता देते हैं, फिर हम आपको क्यूरी बता देंगे। अपन यहाँ से एक टेबल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टेबल है, इसमें आप चाहते हैं फ्रिज लगाना चाहते हैं, जैसे कि अपन एक्सेल में लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें फ्रिज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फ्रिज फील्ड का, ठीक है। आप यहाँ से जो भी फील्ड होती है उसको फ्रिज कर सकते हैं, लेकिन जो जो भी फील्ड आपके पास है, आप यहाँ से ऊपर वाली को नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सेल में रहता था कि आप ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को कर सकते थे। इसमें तो ऐसा रहता है कि आपने कोई यहाँ पर टेबल बनाई है, तो उस टेबल में आप क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे नीचे, जब आप नीचे पहुंच जाएंगे तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है आईडी नेम ये सब लिखा हुआ, ये नहीं हटता, ये ऊपर ही रहता है, तो इसको फ्रिज करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बस यहाँ पर ये वाली जो फर्स्ट फील्ड रहती है या फिर सेकंड जो भी रहती है उसको फ्रिज करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अपन इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, अपन दे देते हैं आधार टेक्स्ट और इस फील्ड को नाम दे देते हैं आधार, ठीक है। यही के हैं, आप ले सकते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था, अपन इसमें नंबर ले लेते हैं, इसमें अपन ने कांटेक्ट ले लिया है मोबाइल नंबर, तो ले क्या, और तो ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर ले लेते हैं आधार नंबर। यहाँ पर अगर आधार है तो ये वो लिख देगा यस, अभी अपन कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ पर आप आधार नंबर डाल देंगे, और आगे और भी लेना है तो उस जगह पर अपन अब ले लेते हैं डेट ले लेते हैं, ठीक है। आपने इसमें डेट ले लिया, फील्ड को आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ से नेम दे सकते हैं, जैसे कि हम इसको डेट ही दे देते हैं, ठीक है। आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आपको जो भी डेट वगैरह फिल करनी है तो वो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। इस पूरी फील्ड में अपन ने डेटा टाइप क्या ले लिया, डेट, और यहाँ से एक और अपन यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं, यस और नो वाला ही कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से पीछे वाला डाटा, जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो आपको आगे वाला डाटा शो नहीं करा रहा। आप चाहते हैं कि इसमें आप फ्रिज लगाना चाहते हैं, फ्रिज पेंस, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपकी जिस भी फील्ड में क्लिक है, जैसे कि हमारा क्लिक कहाँ पे है, नेम वाली में, हमने यहाँ से नेम पर क्लिक किया और यहाँ से हमने यहाँ पर कर दिया फ्रिज फील्ड। अब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेम वाली फील्ड जो है वो क्या हो गई, फ्रिज हो गई। सबसे पहले आईडी आती है, लेकिन आईडी नेम के बाद शो करा रही है, और यहाँ पर फ्रिज किस में लग गया है, नेम में, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं इसको अनफ्रिज करना चाहते हैं तो आप इसी पर जाकर क्लिक कर दीजिए, अनफ्रिज ऑल फील्ड्स, जितनी भी आपने फील्ड्स जो है फ्रिज की थी वो सभी क्या हो जाएंगी, अनफ्रिज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं कि हम आईडी और नेम दोनों शो कराता रहे, तब आप क्या करेंगे, पहले आईडी पर क्लिक करेंगे। अगर जैसे कि आपने पहले नेम और फिर आईडी की, तो वो अलग अलग हो जाएगा। पहले हम यहाँ से आईडी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने कर दिया फ्रिज फिट, आप देख रहे हैं आईडी पहले आ गई, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ आईडी शो करा रहा है, नेम शो नहीं करा रहा। आप चाहते हैं यहाँ पर नेम भी शो कराए, एक बार अपन ने आईडी पर क्लिक किया आईडी फ्रिज हो गई, अब अपन नेम पर जाकर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर हमने फ्रिज फील्ड पर क्लिक कर दिया, अब आप देखेंगे आईडी और नेम दोनों ही फ्रिज हो गए हैं। तो इस तरह से आप एक साथ दो या तीन भी फ्रिज कर सकते हैं, लेकिन एक एक को आपको अलग अलग से करना पड़ेगा। जिसको आप पहले करना चाहते हैं उसको आप पहले क्लिक कीजिए, और जिसको आप बाद में करना चाहते हैं उसको आप बाद में करिए। अब आपको हटाना है तो आप इसी ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अनफ्रिज ऑल फील्ड्स, इस पर जाकर आप क्लिक कर देंगे, अनफ्रिज हो जाएंगे। बाकी ये सभी ऑप्शन आ गए आप सभी को, यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन है, इसमें आप यहाँ से ग्रिड लाइंस, अभी आप देख रहे हैं कि सभी में ये ग्रिड लाइंस आ रही है। आप यहाँ से चाहते हैं हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस आनी चाहिए, तो बहुत हल्की ग्रिड लाइंस आती है, वो आपको शो नहीं कर, मतलब ज्यादा शो नहीं कराती। वर्टिकल ग्रिड लाइन कर देंगे तो सिर्फ वर्टिकली ग्रिड लाइन दिखेंगी आपको, और अगर आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तब आप यहाँ से ग्रिड लाइंस नन कर देंगे, तो ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी, और आपको चाहिए तब आप यहाँ से ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गए। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब इसमें हमने क्रिएट में आपको क्यूरी विजार्ड बता दिया था, आ गया था क्यूरी विजार्ड में, आपकी चार टाइप की क्यूरी होती है, चारों आ गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है इसमें क्यूरी डिजाइन,
क्यूरी डिजाइन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें इससे पहले हम आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं, क्लोज ऑल कर रहे हैं, सभी टेबल्स को हमने क्लोज कर दिया। चलिए अपन यहाँ से ये टेबल लेंगे पहले। तो जैसे कि आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि डीसी और पीजीडीसी, या फिर आप किसी अदर फील्ड में भी ले सकते हैं जिसमें आपका सेम डाटा है जिसको आप अलग करना चाहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट डीसी वाले हैं, कुछ पीजीडीसी वाले हैं, और आप यहाँ पर और भी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि डीसी वाले एक अलग टेबल में चले जाए, तब आप यहाँ से क्या यूज करेंगे, क्रिएट पर जाकर क्यूरी डिजाइन का यूज करेंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें आप वो टेबल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जिस टेबल में आप भेजना चाहते हो। अगर आप पहले से बनी हुई टेबल भी चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये क्या करेगा, इस टेबल के अंदर अंदर जो भी डेटा है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसको हटाकर जो अपन इसमें भेजेंगे वो ले लेगा। इसलिए आप यहाँ से क्या करेंगे, न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल डिजाइन पर जाना है, आप इसको जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी रिप्लेस कर देगा, उसका जो डाटा रहेगा वो उसमें बचने नहीं देगा। तो अपन यहाँ से एबीसी कुछ भी नाम दे देते हैं, और यहाँ से हम राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको अपन सेव कर देंगे। सेव अपन ने डीसीए ले लिया था, तो अपन यहाँ से ले लेते हैं डीसीए क्यूरी के नाम से, इसको ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, यस करना है तो यस कर देंगे, छोड़ना है छोड़ देंगे, राइट क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लोज ऑल कर रहे हैं। आप यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे, क्यूरी डिजाइन पर जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा शो टेबल्स का। आप कौन सी टेबल यहाँ पर शो कराना चाहते हैं, अपना जो डाटा है वो किस में है, टेबल वन में है या टू में, डीसी और पीजीडीसी वाला दोनों डाटा टेबल वन में है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, टेबल वन, टेबल वन पर आप क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पर टेबल वन का पूरी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब आप इसमें दो तरीके से लेकर जा सकते हो, इन फील्ड्स को अपन को यहाँ पे लेकर आना है, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करोगे, एक बार क्लिक करोगे, ड्रैग कर करके एक बार इस तरह से एक एक लेकर आपको आनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि सभी एक साथ लेकर आनी, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, सभी फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ से एक फील्ड उठाकर लेकर आओगे, सभी फील्ड आपको यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, आईडी, नेम, फादर नेम, कोर्स, सब कुछ आ गया। अब आपको क्या अलग करना है, इसमें आपको यहाँ पर डिजाइन में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक रन, सेलेक्ट, मेक टेबल, अपेंड, अपडेट और डिलीट। क्रॉस टैब अपन पढ़ चुके हैं, अपडेट मिलता है और डिलीट मिलता है। अगर आपको इसमें क्या करना है, इस वाली टेबल के जो भी मतलब इस वाली टेबल्स में से जो भी डाटा है वो अगले टेबल में भेजना है, दूसरी टेबल में भेजना है, तब उसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे मेक टेबल का। अपेंड का यूज कब करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी अपन चलते हैं कोर्स में, अपन को क्या अलग करना है, कोर्स, तो आप कोर्स के नीचे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया, इसके आपको सामने कोर्स के नीचे क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या अलग करना है, अपन को डीसीए वाले स्टूडेंट अलग करने हैं, तब आप यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे डीसीए, और इसी तरह से सिटी या फिर अलग कुछ और कुछ अलग करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेक टेबल पर क्लिक करेंगे, मेक टेबल पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसको न्यू टेबल में ले जाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, मेक टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वो टेबल सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल में आप ले जाना चाहते हैं। अपन ने एक टेबल बनाई थी डीसीए क्यूरी के नाम से, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब ये ओके तो कर दिया, लेकिन अभी ये गया नहीं, कब जाएगा, जब आप इसको रन करोगे, जब तक आप रन नहीं करोगे ये नहीं जाएगा। आप यहाँ से रन पर क्लिक करेंगे, ये बता रहा है क्यूरी विल बी डिलीटेड बिफोर यू, मतलब इसके पहले का जो भी डाटा है वो सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यस करेंगे, एक सेकेंड, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से इसने नहीं लिया, फिर भी अपन देखते हैं। डीसी क्यूरी बनाई थी वो कहाँ चली गई, एक फिर से अपन करके देखते हैं। यहाँ से अपन होम पर जा रहे हैं, पहले अपन इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, पूरा क्लोज ऑल कर देते हैं। आप यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे और अपन यहाँ से टेबल डिजाइन पर जा रहे हैं, आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे देंगे, और इसको अपन जिसमें लेना है आप राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं
टेबल वन का ही डाटा लेकर जाना है। हाँ टेबल वन अपन सेलेक्ट करेंगे।